तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा हेलमेट जो है वो आ चुका है, और ये मैंने वैसे लॉकडाउन से पहले ही ऑर्डर किया था, और उस टाइम पे ये रिटर्न हो गया था, और मैंने इसे कैंसिल नहीं किया था, अपने आप रिटर्न हुआ था, यानी कि अमेज़ॉन वालों ने ही इसे कैंसिल कर दिया था लॉकडाउन की वजह से। पर अब ये आ गया है, और अच्छा हुआ मैंने इसे लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट होते ही पहले दिन में ही ऑर्डर कर लिया, ताकि ये जल्द से जल्द मेरे पास पहुंच जाए। अब मेन चीज़ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ब्लेड मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पेन से ट्राई करता हूँ, ओपन होगा कि नहीं होगा, नहीं तो कटर ओपन हो रहा है। वेरी गुड, तो ओपन हो गया, और ये जो हेलमेट है ये मेरे बाइक के कलर को मैच करेगा, और साथ ही साथ आपको भी इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, मेरे वेरीफाइड अमेज़ॉन पेज पे आप जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं, और काफ़ी डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं आपको कि मेरी बाइक पे ये मैच करेगा कि नहीं करेगा, और ब्लैक कलर जो मेन होता है वो तो इसमें है ही। वाओ, मज़ा आ गया इसको देखकर। तो इसके वाइज़र को आप देख सकते हैं, वैसे तो अभी स्टिकर हटाना पड़ेगा आगे से, और चलिए इसका एक वॉक अराउंड ले लेते हैं। एडियर्स का है, और मॉडल का नंबर है फ्यूजन, फुल फेस हेलमेट है ये, और काफ़ी चीप एंड बेस्ट है, काफ़ी सस्ते में ये मुझे अवेलेबल हो गया। इसे पहन कर देख लेते हैं कि ये फिट आ रहा है कि नहीं। आपको मैं बता दूं, जब आप इसे परचेस करिएगा तो नीचे मैंने जो लिंक दे रखा है, जो मैंने अमेजोन पेज का अपना लिंक दे रखा है, उस पर जाइएगा, और आपको ये कलर जब मिलेगा, तो आप अगर दूसरा कलर में किसी लेना चाह रहे हैं तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो चारों कलर हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, और अब ये मैंने इसे नॉर्मल साइज का मंगाया था, और एकदम फिट बैठ रहा है यार, विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि काफी अच्छा ये फिट बैठ गया है मेरे फेस पर, और काफी मजा आ रहा है इसको पहनकर, बहुत हल्का है, तो लॉन्ग राइड पे, सॉरी वाइजर खोलना पड़ेगा, बहुत हल्का है तो यानी कि लॉन्ग राइड पर मुझे काफी अच्छा महसूस होगा, तो बहुत लाइट वेट है, मजा आ गया इसको पहनकर, और जब मैं इसे राइड करूंगा बाइक को पहनकर तो और अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यही सेम कलर मेरे बाइक पे भी है। देखिए अब जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं हेलमेट में, क्या क्या प्लस पॉइंट है। सबसे पहले तो ये स्क्रैच प्रूफ बॉडी है, आप जैसे कि देख रहे हैं तो इसमें स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। दूसरी चीज ये कि एरोडायनेमिक है, यानी कि जो एयर क्रॉस होगी वो काफी अच्छी तरीके से होगी, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, और साथ ही साथ काफ़ी लाइट वेट है जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। तो आप लुक देख सकते हैं इसका, काफ़ी अच्छा लुक है। पीछे भी आपको इस तरह से जो लोगो है दिख रहा है इसका, और ISI मार्क सेंटर में आपको दिख रहा है। आप हेलमेट के अंदर की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसका लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, और अंदर से भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग की गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस प्राइस में, इतने कम प्राइस में आपको इस तरह का हेलमेट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को तो ये यकीन ही नहीं होगा कि इस तरह की क्वालिटी का हेलमेट इस प्राइस में आपको मिल रहा है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा जो ईयर के पास स्पेस दे रखा है, आप अगर ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करते हैं और पहन के रखते हैं उस टाइम पे राइड के वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसमें अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाएगी। वेंटिलेशन के लिए जो भी ऑप्शन है हेलमेट में, सामने की तरफ आप ये देख रहे हैं, ये सामने की तरफ एयर यहाँ से पास होगी और इजीली आप ब्रीथ कर पाएंगे इस हेलमेट को पहनते हुए राइड जब आप करेंगे, और सामने की तरफ ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन है जो आपके हेड को ठंडा रखेगा जब आप राइड कर रहे हो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अगर कॉस्टली हेलमेट में आप जाएंगे तो उनमें मिलते हैं, और इस प्राइस में आपको ये मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब इसके वाइजर पे से इस स्टिकर को हटाते हैं और देखते हैं कि कैसा लगेगा ये हमें देखने में इसको हटाने के बाद। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ मिरर वाइजर इस हेलमेट में लगा हुआ है, जो इसको काफी अच्छा और स्पोर्टी लुक देता है। अगर आप इसमें नॉर्मल
यानी कि ट्रांसपेरेंट वाइजर लगाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसे जब ओपन करेंगे तो यहाँ से ये वाइजर निकाल के आप इसमें ट्रांसपेरेंट वाइजर भी लगा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है नाइट में ड्राइव करने के लिए। वाओ, इसमें तो अगर हेलमेट उतारने के बाद हेयर स्टाइल बिगड़ जाए तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में तो इस हेलमेट के साथ मुझे राइड करते हुए देखना चाहते हैं आप तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो इसी कलर में बटन है रेड कलर में उसको दबाइएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इस हेलमेट के और मेरे बाइक के साथ। दोनों का कॉम्बिनेशन काफी खूब जमेगा जब आप, हम और हेलमेट और बाइक होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर, सी यू अगेन।